और वहां उद्घाटन किया है इस मंदिर का। नारियल फोड़कर ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, सीएम योगी की वहां पूजा अर्चना की है सीएम योगी ने, और यहां से सीधे वाराणसी के लिए रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये त्रिपुरा से देख रहे हैं। त्रिपुरा दौरे पर सीएम योगी सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है सीएम योगी ने, और तस्वीरें आपके सामने। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, शांति आश्रम में है ये सिद्धेश्वरी मंदिर, जहां सीएम योगी ने उद्घाटन किया और उसके बाद पूजा अर्चना की है। सीधी तस्वीरें आप त्रिपुरा से देख रहे हैं ये, जहां सीएम योगी आज समस्त त्रिपुरावासी ऐतिहासिक मुहूर्त के त्रिपुरा पहुंचे और सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। उत्तर प्रदेश राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, तस्वीरें आप देख सकते हैं त्रिपुरा से, जहां सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। और दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीरों में आप देख सकते हैं पौधा भी लगाया है, और दूसरी तस्वीर जब उद्घाटन की मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की है, तमाम और भी लोग मौजूद थे। संतों के बीच सीएम योगी पहुंचे और यहां उन्होंने सिद्धेश्वरी मंदिर में उद्घाटन किया है। इसके अलावा पौधा भी लगाते हुए नजर आए हैं सीएम योगी। शांति आश्रम में ये सिद्धेश्वरी मंदिर है जहां सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। तो त्रिपुरा से वाराणसी जाएंगे सीएम योगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देख सकते हैं त्रिपुरा से, जहां सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, सीएम योगी इसमें शामिल हुए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम योगी इस वक्त मंच पर हैं, क्या कहते हैं त्रिपुरा से आज इस पर भी नजर है। लेकिन फिलहाल तस्वीर आप देख सकते हैं, पौधारोपण भी किया है उन्होंने, और इसके अलावा मंदिर में पूजा अर्चना की। उद्घाटन के बाद माथा टेका, पूजा अर्चना की, और उसके बाद एक तस्वीरों में आप देख सकते हैं पौधारोपण भी किया है त्रिपुरा में, और यहां से अब सीधे वाराणसी के लिए रवाना होंगे। लेकिन त्रिपुरा से क्या संदेश देते हैं सीएम योगी, इस पर नजर है, क्योंकि इस वक्त मंच पर मौजूद हैं सीएम योगी। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, मंदिर में पूजा अर्चना की है, उद्घाटन भी कर दिया है सीएम योगी ने, लेकिन अब निगाह ये है कि त्रिपुरा से क्या संदेश देते हैं सीएम योगी, क्योंकि अभी तक जितने भी दौरे हो रहे हैं कोई ना कोई ऐसा मैसेज दे रहे हैं देश को। सबसे खास बात यह है कि मंदिर में पूजा अर्चना जो है करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और सबसे अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से उन्होंने पिछले कई दिनों से जो है तमाम जो बयान आम उनके खासतौर पर देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो उन्होंने बयान हुआ कि क्या मैं श्री मंदिर का उद्घाटन कर रहा हूँ सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आज त्रिपुरा के जो संतोष जो मालिक से कहा है, वहाँ पर जो त्रिपुरा मंदिर में जो सूर्य मंदिर है उसका आज उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और ये आप बता दें कि पूरी तरह से जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो लगातार त्रिपुरा के तमाम दौरे करते भी आए हैं, त्रिपुरा चुनाव के दौरान भी वो पहले जा चुके हैं, तो ऐसे में उनको बड़ा लगाव जो है खासतौर से उनको जो है निमंत्रण दिया जाता है, जिसके बाद आज जो सिद्धेश्वरी मंदिर है उसका उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये जो है जो शांति काली आश्रम द्वारा जो प्रबंधित मंदिर है, उनमें से एक ये मंदिर है, क्योंकि 24 मंदिर जो है वो प्रबंधित है, ऐसे में ये जो है मंदिर लेकर राज्य में मौजूद है, और आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए। बिल्कुल विशाल, इसके बाद सीधे वाराणसी का दौरा है सीएम योगी का। देखिए इसके बाद जो है सीधे तौर पर आज यहाँ काशी जाएंगे, चूंकि कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो ऐसे में उसके उपलक्ष्य में तमाम कार्यक्रम शुरू होने के ग्यारह महीना हफ्ता जो है वो शुरू होने वाला है, तो ये सब चीजों को लेकर भी तमाम कार्यक्रम है, अधिकारियों का भी बैठक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो ऐसे में आज अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी तीसरा दौरे पर है, और आपको बता दें कि राज परिवार से जो काली पुतने वाले जो तीसरा मोथा होते हैं उनके जो है जो समारोह में जो है मौजूद है, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मालिक शाह जो है वो भी मौजूद है सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन के मौके पर। और आपको बता दें कि आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है ये भी इम्पोर्टेंट
कहा जाता है, क्योंकि ये जो पूरा मंदिर है ये शांति काली आश्रम के द्वारा जो है संचालित होता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ जब शुक्रिया गए थे इस बार, तो यहाँ पर भी इस तरह के कलाम कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं पहले भी। तो अब आज का जो दिन है वो बेहद खास है। बिल्कुल विशाल, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जाए, ये कहा जाए कि सिर्फ उद्घाटन के लिए फिर या फिर कोई और वजह भी, इसके कोई राजनीतिक मायने भी निकाले जाए? देखिए, राजनीतिक मायने निकालने की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अन्य राज्यों में काफी डिमांड होती है, उसकी लगातार जिस तरह से पिछले अगर आपने देखा होगा कई बयान, चाहे वो अखिलेश यादव का मठाधीश को लेकर बयान है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद लगातार जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर और जानवाती को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और हिंदूवादी जो लगातार जो चेहरा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि तमाम राज्यों में इनकी डिमांड होती है, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें इनको बतौर अतिथि बुलाया गया, और इसके बाद आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे। बहुत शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ है आज सीएम योगी ने किया। आपको बताएं त्रिपुरा और उनके समक्ष माणिक साह, वेस्ट त्रिपुरा जिले में सिद्धेश्वरी मंदिर है जिसका उद्घाटन किया है सीएम योगी ने। शांति कला आश्रम में ये मंदिर है जिसका उद्घाटन सीएम योगी ने किया है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, सीएम योगी इस वक्त मंच पर मौजूद है और पौधारोपण भी किया है सीएम ने। ये तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां से सीधे रवाना होंगे वाराणसी के लिए। बरखतल स्थित ये नवनिर्मित मंदिर है जो पूर्वोत्तर राज्य में शांति कला आश्रम में है और 24 मंदिरों में से एक है।